प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पे हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोका गया और उनसे टैक्स मांगा गया। जी हाँ, उनसे 1000 रुपए जजिया मांगा गया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया राय खान जी का दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी लॉयर हैं और साथ में एक्टिविस्ट भी हैं, विमेंस राइट एक्टिविस्ट भी हैं। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं इनफैक्ट। और ये जो मैम, एक चीज ये कि इस पूरे में क्या निकलता है और क्या कंट्री की हालत इतनी खराब हो गई कि अब लोग जजिया वसूल करेंगे कि होली खेल रहे हो, पैसा निकालो। देखिए ना, हमने कल ही सुना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है मदरसा एक्ट पर। अब जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट को और अलग अलग न्यायपालिकाओं को समझ में आ रहा है कि भारत में संविधान है और किसी भी ऐसे इस्लामिक एक्ट की जरूरत नहीं है। अब जाकर के समझ में आ रहा है। हम कब से चीख रहे हैं? मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मैं तो 2012 से चीख रही हूँ, 2012 से कंटिन्यूअसली चीख रही हूँ कि हमारा भारत संवैधानिक भारत है, इसमें किसी भी तरीके के इस्लामिक लॉ कानून की जरूरत ही नहीं है। कहां से आ जाएगा यहाँ पर? जिसको चलना है संविधान पे चले, और जिसको नहीं चलना है वो सीरिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो घटना हुई है, आप याद कीजिए, पिछले 50 सालों से होली को टारगेट हमेशा किया गया है, और एक वर्ग जो अपने आप को शांति प्रिय कहता है, मुसलमान इस्लाम के मानने वालों ने हमेशा शोभा यात्रा को कभी टारगेट किया, कभी राम नवमी को टारगेट किया है, कभी हनुमान चालीसा के भजन को टारगेट किया है, कभी अभी बेंगलुरु में ही एक बेचारा शॉपकीपर जो है वो अपने शॉप में भजन कीर्तन कर रहा था, तो आकर के लड़कों ने उसको मार पीट दिया मुसलमान लौंडों ने, और फिर लखनदरों ने यह भी कहा कि अभी रमजान है तो नहीं चलेगा ये सब कुछ। तो ये कंटिन्यूअसली कांग्रेस की सरकार के वक्त से लेकर के जो इनको हुड़दंग करने का, जो औरंगजेब का स्लीपर सेल बनने का जो एक प्रोवोकेशन और एक जो जगह दी गई है, ये अभी भी उसी चीज पर अटल है कि भाई हमें तो जगह नेहरू के जमाने से दी गई है, और 2013 तक तो भाई यासिन मलिक मनमोहन सिंह के साथ बैठ करके आराम से डिनर करता है। तो जब ऐसे ऐसे लोग जो भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए हैं, उनके भी अच्छे संपर्क कांग्रेस के प्रधानमंत्री के साथ हुआ करते थे, साथ में बैठ करके खाया पिया करते थे, तो आप सोचो कि इनका मनोबल तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, इतनी जल्दी तो ये संविधान मानेंगे नहीं, इनको मजबूर करना पड़ेगा संविधान मानने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ है वो एक तरीके से होली खेलने पर मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्रों पर मॉब लिंचिंग की है। आपको मैं याद दिलाती चलूं कि रिपोर्ट के मुताबिक जो मुसलमान छात्र थे, जो मुसलमान स्टूडेंट थे, उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आप समझिए कि मॉडर्न जजिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुंह से नहीं उठाया जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मॉडर्न जजिया उठाने के लिए हथियार का भी साथ लिया जा रहा है, और मुसलमान छात्र हथियार लेकर घूमते हैं, चाहे वो उनके पैंट के अंदर हो और या चाहे वो बंदूक या बम या चापड़ गोली के नुमा हो। पैंट के अंदर का जो हथियार है वो सनातनी बेटियों के लिए लेकर घूमते हैं, और जो पॉकेट में जो वो हथियार लेकर के चलते हैं या कुर्ते पजामे में जो छुपा करके चलते हैं वो सनातनी पुरुषों के लिए वो चलते हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि मॉडर्न जजिया उठाने के लिए मुसलमान हथियार निकालते आए हैं हमेशा से। आप सोचिए कि हमेशा भारत में जितने जो मुसलमान धर्म के ठेकेदार है वो क्यों कहते हैं कि मदरसा का पैसा आपको देना पड़ेगा, मदरसा एड आपको देना पड़ेगा, हज का कोटा आपको देना पड़ेगा, मस्जिद बनाने के लिए आपको आपको एड देना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लिए आपको एड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया, क्यों देना पड़ेगा? सरकार का काम मौलवी मुल्ला बनाने का रह गया है क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे मतलब देश प्रेमी और देशभक्त लोगों को, हम लोगों को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जो हमीद अंसारी साहब है उनसे भी सवाल जवाब करने की जरूरत है।
उनसे सवाल जवाब ये करने की जरूरत है क्योंकि वो तो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हमीद अंसारी साहब, दूसरे जिसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी उनका एक अच्छा खासा रिश्ता रहा है, और वो भी आकर के कैमरा के सामने कहते हैं कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचिए कि 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद हमीद अंसारी बोलता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं, खुद तो घूमता है बजट प्लस सिक्योरिटी लेकर के, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के, उपराष्ट्रपति के चेयर से हटने के बावजूद। आप याद कीजिए मायावती ने जब उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जब राज्यसभा में स्पीकर हुआ करता था तो मायावती ने चिल्लाया था कि ये क्या रोजे में आप लोग अफ्तार के समय में आप लोग छुट्टी कर देते हैं, पूरे रमजान हम लोगों का सेशन ही नहीं चलता है, पार्लियामेंट में कोई बात ही नहीं हो पाती है, याद है आपको? मायावती ने चिल्लाया था हमीद अंसारी के ऊपर और हमीद अंसारी ने उसका मुंह को बंद कराने की बहुत कोशिश की थी। तो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता लीडर हैं वो हमेशा एक सोनिया गांधी, एक इंदिरा गांधी और एक प्रियंका वाड्रा, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सारी महिलाओं को ये लोग बेइज्जत करते हैं, सारी महिलाओं को ये हमेशा से बेइज्जत करते हुए आए हैं। अब आती है बात की जो मॉब लिंचिंग जो करने का पूरा कार्यक्रम सेट किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, इसका पहला जवाब तो देना पड़ेगा हमीद अंसारी को, दूसरा जवाब देना पड़ेगा असदुद्दीन अवैसी को। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी जो है ना वो बेंगलुरु में कुछ बोल रहा है, ना वो जो बदायूं में दो बच्चों का गला रेत दिया साजिद और जावेद उस पर भी कुछ नहीं बोल रहा है, ये असदुद्दीन अवैसी कहाँ गायब हो गया है कहाँ वो? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे होली खेल रहे हैं, आप उसके बाद फिर नमाज पढ़ रहे हैं, ये क्या बात है भाई? आपके बाप की जगह है, आपके जिन्ना अब्बू की जगह है क्या ये? भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है वो जिन्ना का यूनिवर्सिटी तो नहीं है, और ये मुसलमान लखनऊ के जिन्ना अब्बू का यूनिवर्सिटी तो नहीं है। अब देखिए होली को टारगेट करना 1665 में पहली बार औरंगजेब ने होली दिवाली मनाने में रोक लगा दिया था 1665 में। 1666 में यमुना के घाटों पे अंतिम संस्कार और औरंगजेब ने बैन लगाया था, रोक लगाया था। 1666 में केशव मंदिर के सभी दीवारों को तोड़ने और केशव मंदिर को खत्म करने का फरमान किसने जारी किया था? औरंगजेब ने जारी किया था। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों, पाठशालाओं और गुरुकुल को खत्म कर देने का फरमान दिया था और सिर्फ अपने अपने जितने भी लखंदर सिपा सालार है उसको 7 दिन का मौका दिया था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा था, उसमें आग लगाया था, छोटी बड़ी जितनी भी मूर्तियां बच गई थी उसको बेगम साहब मस्जिद के सीढ़ियों पर लगवाया था ताकि नमाजी आते जाते उन मूर्तियों पर पैर रखे। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये सिलसिला बहुत पुराना है। नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, उसके बाद फिर सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, फिर प्रियंका वाड्रा ने, इन सब ने ये औरंगजेब के स्लीपर सेल को हमेशा प्रोवोकेशन दिया है, जगह दी है कि ये लोग हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे और भारत में रह करके हिंदू इनके इशारे पर नाचता रहे, ये हमेशा इन्होंने किया है। और मैं बहुत दाद दूंगी कि नया नगर का आपको याद है ना घटना जो महाराष्ट्र मीरा रोड नगर में हुआ था, उसके बाद जो मुंहतोड़ जवाब हिंदुओं ने दिया था वैसा ही जवाब, उसके बाद फिर बेंगलुरु में तेजस्वी सूर्या ने जिस हिसाब से अपना पूरा कार्यक्रम वहां पर हनुमान चालीसा का रखा और 2 दिन कंटिन्यू रखा, वैसा वैसा रिप्लाई चाहिए। उसी तरीके से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी हिंदू भाई बहन, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मेरा सपोर्ट उनके साथ है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, चाहे तो मुझे बुला ले वहां पर और होली मनाए जबरदस्त। हम भी देखते हैं कि औरंगजेब का स्लीपर सेल जीतते हैं या ये रामराज जीतता है, जरूरी आ चुका है। अब ये कट्टर इस्लाम वालों को ना कट्टरता से सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने इन कट्टरपंथियों को उधेड़ के रख दिया और एक बात बिल्कुल सही कही कि भारत में इस्लामिक कानून की जरूरत नहीं है, ये जो कट्टरपंथी और शांति दूत है ये स्पेसिफिकली
हिंदू या सनातनी लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है, जिस देश में 82.7% हिंदू है वहीं पे हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, चाहे भारत के मजहब के ठेकेदारों या फिर ओवैसी जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले नेता या फिर हमारे पूर्व वाइस राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, हर एक ने हिंदुओं को ही टारगेट किया है। और जैसे कि नाजिया खान जी ने कहा, यह सिलसिला बहुत पुराना है, ये सिलसिला मुगलों के जमाने से चलता आ रहा है। बाकी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा नाजिया खान जी की बेबाकी का, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो हिंदू भाई बहनों के साथ खड़ी हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।